दिस इज द सेकेंड डिजीज ऑफ कॉजिंग बाय द ऑब्सेसिटी, दैट इज हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज एज यू नो इट्स अ पंपिंग ऑर्गन एंड इट हैज ओन देयर ओन ब्लड वेसल्स, दैट इज विच प्रोवाइडेड अ ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. उसकी जो वो ब्लड वेसल जो बॉडी पार्ट्स को ब्लड देती है उसको क्रोनरी आर्टरी कहते हैं. द फर्स्ट लाइन शुड बी अंडरलाइन. हार्ट डिजीज हैपन्स व्हेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल. अंडरलाइन दिस लाइन. हार्ट डिजीज कब कॉज होता है? जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं उसमें फैटी सब्सटेंस जो है उसकी उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है. फैट हमें खाना चाहिए बट वी शुड डू एक्सरसाइज. एंड क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए? कि वो फैट जो है आपको इट गिव्स योर बॉडी वार्म्थ इंस्टेड ऑफ मेंटेन कीप अ फैटी लेयर्स इन रेस इन योर बॉडी. ठीक है, जो आपकी फैटी लेयर्स हैं उनको दे इंक्रीज वो इंक्रीज ना करे आपकी बॉडी में. राइट, और जब वो इंक्रीज करेगा तो इस तरह आपकी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी. द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मे बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, कॉजेज अ सीवियर पेन कॉल्ड एंजाइना और कट ऑफ ऑल टूगेदर कॉजिंग अ हार्ट. जो ब्लड सप्लाई हार्ट करता है बॉडी में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं. जब वो नैरो हो जाएंगी, नैरो मीन कि इफ देयर इज अ पाइप ऑफ वाटर तो उसमें अगर कोई कचरा आ जाता है या कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो पानी वहां से मुश्किल से पास होता है. तो जब इसी तरह द सेम वे विद द हार्ट ब्लड वेसल्स कि अगर उन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाएगी विद द इफ इट कंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ फैटी सब्सटेंस तो वहां से ब्लड बॉडी में जाना इट इज डिफिकल्ट फॉर देम और वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. और अगर वो ज्यादा हो जाए और बहुत ब्लॉकेज हो जाए तो इट मे लीड्स टू द हार्ट अटैक. अनदर डिजीज विच इज कॉज बाय द ऑब्सेसिटी एस्थमा. एस्थमा इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ट्यूब दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. एस्थमा ये कंडीशन होती है जब वो अफेक्ट करती है ट्यूब्स. ट्यूब्स क्या हैं? जो आपकी एयर अंदर और बाहर लेके जाती हैं थ्रू द ट्रैकिया. अगर वो अफेक्ट हो जाए वो इट गेट इन्फ्लेम्ड तो इट इज डिफिकल्ट टू पास एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. द लाइनिंग ऑफ दीज ट्यूब उसकी जो लाइनिंग है अगर बिकम इन्फ्लेम्ड तो वो वेरी सेंसिटिव वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि अगर कोई भी एलर्जी आए वो उस पर एस्थमिक पेशेंट की ब्रीदिंग में अफेक्ट करती है क्योंकि वो और उसको इन्फ्लेम करता है. देन पेट्स एंड इवन कोल्ड वेदर इवन कि अगर ठंडा मौसम हो तो वो भी एस्थमिक पेशेंट के लिए ब्रीदिंग में दिस कॉजेज द ट्यूब टू बिकम नैरो. वो ट्यूब्स को फिर नैरो कर देता है जिससे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. लास्ट डिजीज विच इज कॉजेज बाय द न्यूट्रिशन डिसऑर्डर दैट इज अथराइसिस. अथराइसिस वो कंडीशन है इज अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग्स ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी बिकेम्स इनफ्लेम्ड. जो आपके जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हड्डियों बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं जो बोन्स को आपस में मिलाते हैं उसको जॉइंट कहते हैं. अगर वो इनफ्लेम्ड हो जाए, सूजन हो जाए, स्वेल हो जाए, दिस लाइनिंग यूजली प्रोटेक्ट आवर जॉइंट फ्रॉम इम्पैक्ट ड्यूरिंग रनिंग और जंपिंग. एक्सेस बॉडी वेट पुट्स मोर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स मेकिंग देम इनफ्लेम्ड. दिस इन्फ्लेमेशन कॉजेज द जॉइंट टू स्वेल एंड बिकम वेरी पेनफुल एंड स्टिफ. तो वो जॉइंट्स जब प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट रन प्रॉपरली, यू कैन नॉट जंप प्रॉपरली. ठीक है, वो जो लाइनिंग होती है जॉइंट्स की वो प्रोटेक्ट करती है हमारे जॉइंट्स को. तो वो जो अगर वो लाइनिंग स्वेल कर जाएगी तो ड्यूरिंग रनिंग
हमें बहुत डिफिकल्टी होगी। एक्सेस बॉडी वेट और एक और इफेक्ट है अर्थराइटिस का, जब एक्सेस बॉडी वेट हो जाता है इट गिव्स अ मोर प्रेशर ऑन योर जॉइंट, मेकिंग देम मोर इन्फ्लेम्ड, मेकिंग देम मोर स्वेल्ड। ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा स्वेल कर देंगे, कर देते हैं। द इन्फ्लेमेशन कॉजेज द जॉइंट टू स्वेल। तो जो इन्फ्लेमेशन, ये स्वॉलन, ये जो स्वेलिंग है वो जॉइंट्स को स्वेल करती है, मतलब इन्फ्लेमेशन सूजन जो है वो स्वेल कर देती है, फुला देती है एंड बिकम वेरी पेनफुल, और वो स्टिफ अकर जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, वो मूव इजीली नहीं कर पाते। सो दिस इज द लास्ट डिजीज विच इज ऑल्सो कॉज द ऑब्सेसिटी एंड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर। ठीक है, दीज आर सम effects of nutrition disorder in our body. Next है vitamins and mineral deficiency. अगर हमारी body में vitamins और mineral deficiency होती है तो उससे क्या cause होता है? First picture में आपको नज़र आ रहा होगा teeth दिखा रहे हैं, white shows our teeth. अगर if we are not getting a proper sufficient vitamins, नोन एज कितने किस्म के वाइटमिन्स होते हैं ए बी सी, तो इट्स जो मेनली फाउंड किए जब होते हैं लीफी वेजिटेबल सच एज स्पिनिच, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन। तो हम अगर वाइटमिन लैक करेंगे हमारी बॉडी में तो कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वे। स्कर्वे इज अ डिजीज। इन दिस डिजीज वी लूज आ टीथ, ठीक है, एंड वी ऑल और हमारी जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप जब ब्रश करते हैं टीथ को तो आपके वो ब्लड आता है टीथ्स में से, तो इट्स आपकी ब्लीडिंग गम्स, वो गम्स जो है वो ब्लीड करते हैं, करना शुरू हो जाते हैं। देन मसल्स वीकनेस, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं जो मूवमेंट में काम आते हैं, इट वर्क्स इन मूवमेंट, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, वो वीक हो जाते हैं, तो इवेंचुअली इट कॉजेज द डेथ, लीड्स टू द डेथ। सो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी डिजीज होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स, इट इज कॉजेज अ ब्लीडिंग गम्स, लूजिंग टीथ एंड मसल्स वीकनेस। सेकेंड है रिकेट्स डिजीज, इट ऑल्सो कॉजेज बाय द लैकनेस ऑफ द वाइटामिन डी। ठीक है, जब वाइटामिन डी आपका, वाइटामिन का डी का क्या सोर्स है? एक सनलाइट होती है, ठीक है, इट अगर आप प्रॉपर सनलाइट नहीं लेते तो आपकी बॉडी में ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से तो विटामिन डी और कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वो जो है उन पे आपका कंट्रोल इतना नहीं रहेगा, वो इट बिकम्स बेंड। ठीक है, वो बेंड हो जाएंगे, जैसे कि आप ओल्ड जो हैं वो उनको देखते हैं कि उनके इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते, स्टिफ नहीं रहते हैंड्स और ये वो, या जो शोल्डर बैक है वो बेंड हो जाती है। तो इट डिड ड्यू टू द कि रिकेट्स की वजह से कि आपके बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये किस वजह से होते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से और लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है आपको? इट टेक्स, वी गेट फ्रॉम द सनलाइट, एंड कैल्शियम वी गेट फ्रॉम द मिल्क, राइट? वी शुड ड्रिंक अ प्रॉपर मिल्क फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग दिस डिजीज टू अस। नाउ नेक्स्ट इज, एक पर्सन है, आयरन इज अ मिनरल फूड इन रेड मीट, स्पेशली लिवर।
इट इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन गिव रेड ब्लड सेल देयर कलर एंड इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अराउंड अ बॉडी. अ डेफिशिएंसी अंडरलाइन अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया. जिन लोगों में हेमोग्लोबिन की कमी होती है उन में कौन सी डिजीज हो जाती है, दे लुक पेल लाइक हिम, वो इसकी तरह पेल नजर आना शुरू हो जाते हैं एंड वो उनको कहते हैं एनीमिया. एनीमिक पर्सन, अ पर्सन अफेक्टेड विद एनीमिया लुक पेल एंड फील वीक एंड टायर्ड. अब ये हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन इट गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है. तो आयरन, अगर इफ़ यू ईट आयरन न्यूट्रिएंट्स, आयरन इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, इट इज़ फाउंड इन मिनरल्स. आयरन इज अ मिनरल फाउंड इन रेड मीट. आप जो मीट है उसमें ये पाया जाता है, स्पिनच है, पालक है, उसमें होता है. तो अगर इफ़ यू ईट अ मिनरल फूड देन यू फिर आपका हेमोग्लोबिन रेगुलेट रहेगा. इट विल मेंटेन इन योर बॉडी. हेमोग्लोबिन का जो लेवल है, इट विल मेंटेन द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन योर बॉडी इफ यू ईट अ प्रॉपर आयरन. ठीक है, और हेमोग्लोबिन का क्या फ़ायदा है? इट गिव्स यू अ रेड कलर टू द ब्लड एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन व्हाट विल हैपन? इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया. एनीमिया डिजीज हो जाती है, आपको फेस करना पड़ेगा इस डेफिशिएंसी से, जिससे आप पेल नजर आना शुरू हो जाएंगे, वीक और फेंट भी हो सकते हैं.